अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसपे हम बात करने वाले हैं डेटा मॉडलिंग। राइट, डेटा तो हमने अपलोड कर दिया, सब कुछ हो गया, रिपोर्ट कहाँ क्रिएट हुआ? रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए पहले आपको डेटा मॉडलिंग करना पड़ेगा, बाद में आपका रिपोर्ट डैशबोर्ड क्रिएट होगा। राइट, बहुत सारे लोग आपको क्या करते हैं ना, सीधा डैशबोर्ड क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप एकदम ब्यूटीफुल दिखाते हैं काफी अच्छा कलर करके। दैट इज नॉट बिजनेस इंटेलिजेंस का काम, राइट, या पावर बीआई डेवलपर का काम, वहां पे कोई और लोग जो डिजाइनिंग करते हैं। आपका काम है डेटा को अच्छे से क्लीन स्टैंडर्डाइज करना, चेक करना, बिजनेस डेटा को समझना, और उसके बाद उसका डेटा मॉडलिंग अच्छे तरीके से करना, और उसके बाद ही डैशबोर्ड डेवलप करना। राइट, ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। तो अब जो हमारा लेक्चर है डेटा मॉडलिंग का है, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे फिर से डेटा मॉडलिंग। तो आगे हम यहाँ पे सारा डेटा आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आ जाते हैं हमारे डेटा मॉडलिंग पे। अब देखते हैं डेटा मॉडलिंग कैसा दिख रहा है यहाँ पे। कभी कभी जो मैंने आपको पहला क्लीन डेटा दिया था ऑटोमेटिकली बन जाता था डेटा, उसके वजह से स्लाइस एंड डाइस हो पाता था। अब यहाँ पे मैं इसको सब क्लोज कर देता हूं, अब देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग टेबल क्रिएट हो चुके हैं जो डायमेंशन ऑफ फैक्ट टेबल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ तो कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, लेकिन हमारे टोटल कितने टेबल थे अगर आपको याद है, 16-17 टेबल थे और बहुत सारे कनेक्टेड नहीं है। तो आपको ये एक एक करके कनेक्ट करना पड़ेगा। आ जाते हैं यहाँ पे, ले लेता हूं मैं सबको पहले, उसके बाद कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऐसे करके आपको करना पड़ता है। डेटा मॉडलिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप करने बैठोगे ना, अगर आपका ये अगर रॉन्ग हो गया ना, तो आपका कोई भी इंसाइट आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई भी इंसाइट नहीं मिलेगा अगर आपका डेटा मॉडलिंग सही नहीं रहेगा। जब आप स्लाइस एंड डाइस करने की कोशिश करोगे, राइट, मतलब डेटा जहां से फ्लो होगा वो आपका बिल्कुल नहीं होगा। देखो यहाँ भी डायमेंशन टेबल से कनेक्ट हो गया है, मतलब एक तरह से आपका स्नोफ्लेक का कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, मे बी जो पावर भी ऑटोमेटिकली कैप्चर कर रहा है। हम एक जगह ले आते हैं, फिर जूम आउट करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ सबको, इसको भी ले आते हैं यहाँ तक ले आए। राइट, आई थिंक अभी देखना दिखाई देना चालू होगा। थोड़ा इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको भी इधर कर देते हैं, क्योंकि जूम आउट करूंगा तो फिर वो उधर चले जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए मैं सबको एक साइड कर रहा हूँ। आप इसको हम जूम आउट करते हैं। राइट, आपको क्या करना है अभी, डेटा मॉडलिंग करना है। मतलब क्या डेटा मॉडलिंग क्यों करते हैं हम, क्योंकि जब डेटा हम जब सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने आई एम मोस्ट कंसर्न इसको सिलेक्ट किया, तो ये डेटा कहां से फिल्टर होकर के जाना चाहिए, फैक्ट टेबल, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही डेटा है ना। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे आपका डेरी मिल्क है, डेरी मिल्क 5 वाली है, तो मैंने यहाँ पे डेरी मिल्क जो आपका यूनिट है या एसकी 5 बार दबाया, मतलब सेलेक्ट किया, तो इसका पूरा डिटेल ट्रांजैक्शन डिटेल इधर है। तो ये पूरा जितने भी फॉरेन कीज़ सबको ऐड करेगा और उससे आपको आउटपुट मिलेगा। राइट, ये तो एक ही बार रिपीट होगा। आते हैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। आई थिंक फैक्ट टेबल मेरा काफी नीचे गया है, थोड़ा इसको मैं ऊपर ले लेता हूं तो दिखाई देगा। फैक्ट टेबल में सबसे पहले आप एक एक करके स्टार्ट करो। एज, एज कहाँ है वो आपको ढूंढना है। ये रहा एज मैप्ड और ये एज है, तो आपको याद होना चाहिए कि 0, 1, 2, 3 कोडिंग कहाँ पे है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एज है, मैं उठा करके फिलहाल ये एज के ऊपर डालूंगा डेटा मॉडलिंग करने के लिए। आइए डाल के देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एक 1-to-many की रिलेशनशिप ना क्रिएट हो गया। इसको मैं इधर कर देता हूँ, 1-to-many का रिलेशन क्रिएट हो गया। मतलब क्या कि जब मैं एज सेलेक्ट करूंगा, मतलब बिलो एज 25, तो बिलो एज 25 के जितने बार भी रिपीट हो रहेगा ना, उनका टोटल डेटा नजर आएगा। ये कनेक्ट हो गया। फिर हमारा क्या है नेक्स्ट, बेस्ट, सॉरी इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा और ऊपर ले आते हैं। क्या है हमारा करंट स्टेटस, तो हम इसमें ढूंढेंगे करंट स्टेटस कहां है, ये रहा। करंट स्टेटस को उठा करके करंट स्टेटस पे डाल दो, तो आप चेक भी कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। सॉरी बेस्ट डिस्क्राइब, इसको डिलीट मारना पड़ेगा क्योंकि किसी और से कनेक्ट हो गया, क्योंकि सब में 10 है तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर रहा है, क्योंकि हमने सबको एक बाइनरी नंबर, सॉरी 0, 1, 2, 3, 10 से डिफाइन किया हुआ है नंबरिंग से। करंट स्टेटस को उठा करके आप ये करंट स्टेटस इस पे डाल दो। नहीं तो 1-to-many का रिलेशन हो गया, क्योंकि इसमें मल्टीपल है फॉरेन की और ये आपका 1 है। बेस्ट टू डिस्क्राइब योर सेल्फ लाइफ स्टेज, तो यहां से उठा करके मतलब आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जब डेटा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेस्ट डिस्क्राइब टू योर सेल्फ, मतलब अगर आप सिंगल हो तो वॉलंटियर ज्यादा कर पाओगे, मतलब एनजीओ में ज्यादा भाग दौड़ी कर सकते हो, शादीशुदा हो तो शायद आपको टाइम लगेगा, एक बच्चे हैं तो आपको मैनेज करने में डिफिकल्ट होगा। राइट, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये डेटा आपको चीख चीख के कह रहा है। अब हम नीचे आ जाते हैं, तो ये सबको आपको क्या करना पड़ेगा ना, कनेक्ट करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग, ये बेचारा देखो अकेले ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू वॉलंटियर, अब अगर आपको याद होगा ये टेबल का नाम जो हमने लिखा है ना, हाउ लॉन्ग वॉलंटियर, ये सेम हमने फैक्ट टेबल के अंदर रखा हुआ है, ताकि जब मैं यहाँ पे डेटा मॉडलिंग करूं ना तो आसानी से हो पाए।
तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग हैव यू वॉलंटियर, तो इसको मुझे मैप करना पड़ेगा कहाँ पे, आप ढूंढो यहाँ पे हाउ लॉन्ग वॉलंटियर हाउ लॉन्ग, ये रहा राइट। तो मुझे इसको ना इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि जब भी आप बनाओ ना तो आपको डायमेंशन टेबल का नाम और फैक्ट टेबल के अंदर में जो अवेलेबल है ना ये दोनों को सेम रखना पड़ेगा, ताकि आप कनेक्ट करोगे ना तब आपका आसानी से होगा। तो इस तरह से जितने भी बाकी पेंडिंग है ना ये सब कुछ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ये नेचर ऑफ वॉलंटियर इसको उधर लेके आओ, सबको ऊपर लेके आओ, सब हम एक काम करते कनेक्ट कर लेते हैं, सबको इधर ले आओ, एमबीटीआई प्रोफाइल के जरिए सब ढूंढना पड़ेगा हमको, अदरवाइज स्लाइस एंड डाइस होगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे आपका स्लाइस एंड डाइस बिल्कुल नहीं होगा अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो। जितना पेंडिंग है आपका, आ जाते हैं यहाँ पे, अभी कौन सा है प्रोफाइल, एमबीटीआई प्रोफाइल, यहाँ पे देखते कहाँ पे एमबीटीआई प्रोफाइल, ये रहा एमबीटीआई प्रोफाइल और एमबीटीआई प्रोफाइल, यहाँ पे क्या करूंगा इसको उठा करके एमबीटीआई प्रोफाइल पे डाल दूंगा, नहीं हुआ शायद, फिर से करना पड़ेगा, इसको उठा करके एमबीटीआई प्रोफाइल पे हम डाल देते ड्रैग एंड ड्रॉप राइट। तो ऑटोमेटिक आप देखो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, तो जेंडर का ऑलरेडी है, फिर आपका किसका है नेचर ऑफ वॉलंटियरिंग, तो यहाँ पे आपको ढूंढना नेचर कहाँ लिखा, इधर लिखा हुआ राइट, नेचर ऑफ वॉलंटियरिंग, और यहाँ पे भी नेचर है, इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं और यहाँ पे व्हाट नेचर से कनेक्ट कर दो, सिंपल है नहीं। तो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको डेटा मॉडलिंग के टाइम पे आपको याद होना चाहिए सारी की सारी चीजें, पहले से क्लियर होनी चाहिए कि मुझे फैक्ट और डायमेंशन टेबल का नाम एक टाइम जो हेडर वो सेम रखना है, सो दैट डेटा मॉडलिंग करने के टाइम पे मुझे आसानी पड़े। तो आप देखो अब सब मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, इफ आई रियली लाइक वाला किधर पे, इफ आई रियली लाइक यहाँ पे, इफ आई रियली लाइक यहाँ पे राइट। तो इसको मैं क्या करूंगा यहां से उठा करके इफ आई रियली लाइक वाले पे डाल दूंगा, इसको उठा करके डाल देते हैं, सॉरी इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, सबका डेटा मॉडलिंग आप देखो पूरा हो जाएगा राइट। अब ये जिस तरह से बना है ना, तो ये मैं एक्चुअली क्या बना रहा, अब ये रिपोर्ट पहले दिखाते तो आपको समझ में आता है रिपोर्ट, लेकिन मतलब नहीं हमारा, मेन है कि काम कैसे होता है। तो हमने फॉर एग्जांपल डेटा मॉडलिंग पूरा कर दिया तो कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा दिखा, डेटा मॉडलिंग दिखाई देगा कुछ इस तरीके, खतरनाक दिख रहा है राइट। तो आप ये ध्यान से थोड़ा सा मैं वीडियो रुका देता हूं ताकि आप यहाँ पे नोटिस कर पाओ कि किससे क्या कनेक्ट है राइट। आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा आपका आसानी से कनेक्ट हो गया, तो इस तरह से आपका डेटा मॉडलिंग कंप्लीट हो गया है। तो ये था हमारा आई थिंक फोर्थ लेक्चर था इसके अंदर का जो हमने ये कंप्लीट किया।